अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये तीन मुख्तलिफ वीडियो हैं, तीन मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, देखें इनको, इसके बारे में मुझे अपनी राय बताइएगा ज़रूर। सब लोग गाय खाते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात हो? ये गलत है, ये बताना, एक बताना। कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़ो? कितना पढ़े लिखे? हिंदू धर्म के। कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे तो गाय मेरी बाप है, आप इधर। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप। गाय हमारी है, गाय एक जानवर है, दूध देती है। मेरा बता। अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे है? यही तो समझा रहा हूँ। गाय में सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में, ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है, तुम गाय से पैदा हो। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। वहां का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगी अस्वत, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिन्हें काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में, मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियां, 360 मूर्तियां थी अलग अलग। वहां हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो वो मोहम्मद ने वो मंदिर तोड़ा, वहाँ का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगी अस्वत, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। दैट व्हाट एक्चुअली मक्का इज, बट नो वन कैन गिव मी द रिलायबल आंसर। सेम क्वेश्चन है मक्का के बारे में, मक्का क्या चीज है? Please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है। मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का जमीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज है। भाई साहब मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में के मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट की तरफ है अमेरिका, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते कुरान मजीद में। आई सी द पीपल्स मीन्स लाइक द भक्त ऑफ अल्लाह they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान should pierce their body। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहां तक ये सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज।
तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर एक से सवाल भाई। माय नेम इज अभिनव कुमार एंड आई एम मार्केटिंग मैनेजर। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स अस, एंड इफ गॉड इज वन देन व्हाई ही स्टार्टेड विद सो मेनी रिलीजन्स एंड कमिंग टू पॉइंट and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam, and why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मजाहब क्यों बनाए, why so many religions, और तीसरा सवाल खुदा contradict क्यों करता है, खुदा इख्तलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, भगवत गीता में फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। तीन सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूं मैं, पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी डेढ़ दो घंटे की, सवाल जो आपके साथ तीन साढ़े तीन घंटे की, वक्त नहीं है लेकिन मेन पॉइंट कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुभाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुभाना व ताला के कई मखलूकात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान, बाकी जितने मखलूकात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुबहाना ताला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है उनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन द फ्री विल, फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुबहाना ताला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोजख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुभाना व ताला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइंस ऑफ आदम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सबने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुभाना व ताला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग ये पत्थर पहाड़ जानवर ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते, लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम यहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56
वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। अस्सलामु अलैकुम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके बारे में अपनी राय बताइएगा, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा, और बहुत सारी दुआओं को मुझे याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, आपके क्लिक से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।